प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। किसी पहाड़ की चोटी पर एक जादूगर रहता था। जादूगर की नाक नीले रंग की थी। सब लोग उसको नीला जादूगर कहते थे। इसी पहाड़ की दूसरी चोटी पर दूसरा जादूगर रहता था। उसकी नाक लाल रंग की थी। लोग उसको लाल जादूगर कहते थे। लाल जादूगर और नीले जादूगर की आपस में खटपट रहती थी। एक कहता, मेरी नाक लंबी है। दूसरा कहता, नहीं, मेरी नाक लंबी है। दोनों जादूगर बड़े जिद्दी थे। एक दफा का जिक्र है, नीला जादूगर अपने घर से निकलकर बागीचे में आया। बाहर का मौसम और सुबह का वक्त था। हर तरफ फूल खिले थे, सब्जा लहला रहा था। जादूगर ने खुश होकर कहा, आहा, क्या प्यारा मौसम है। तब वो सब्जे पर लेट गया और गीत गुनगुनाने लगा। अचानक उसने चौंक कर कहा, मेरी नाक में अच्छे अच्छे खानों की खुशबू आ रही है। जरा देखो तो, क्या खाना कहाँ पक रहा है। उसने अपनी नीली नाक को हुक्म दिया, चल मेरी नाक, छू मंतर के जोर से लंबी होती जा। और नीले जादूगर की नाक लंबी हुई और नीले जादूगर की नाक लंबी होती गई, लंबी और लंबी, यहाँ तक कि पहाड़ की 7 चोटियों को फलांग गई और 1000 मील दूर एक गांव के एक पुख्ता मकान में पहुंच गई। वो मकान एक जमींदार का था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम शादा था। उस दिन शादा ने अपनी सालगिरह मनाई थी और अपनी नन्नी मुन्नी सहेलियों को खाने की दावत दी थी। पुलाव, जर्दा, बिरयानी और ढेर सारे अच्छे अच्छे खानों की प्लेटें मेज पर सजी थी। खाने की मेज़ पर बैठने से पहले शादा ने सब सहेलियों से कहा, आओ अपने दुपट्टे, चादरें और शॉल लग्गी पर टांग दें। लेकिन वहाँ लग्गी कहाँ थी। अचानक नीले रंग की एक छड़ी घर के सहन में फैली हुई नजर आई। सब लड़कियों ने अपने रंग बिरंगे दुपट्टे, चादरें और शॉल इस छड़ी पर लटका दी। लेकिन वो छड़ी तो ना थी, नीले जादूगर की नीली नाक थी। यहाँ से 1000 मील दूर पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए नीले जादूगर ने अपने दिल में कहा, ये मेरी नाक में खुजली क्यों हो रही है। तब उसने अपनी नाक से कहा, ए मेरी नाक, छू मंतर के जोर से छोटी होती जा। फिर तो नीले जादूगर की नीली नाक छोटी होती गई, छोटी और छोटी। और जब वो नाक करीब आई तो नीला जादूगर खुशी से उछल पड़ा। कैसे रंगारंग और कीमती कपड़े हैं, ये कपड़े मैं अपनी बेटी के जहेज में दूंगा। उधर शादा और उसकी सहेलियों ने जब देखा कि नीली छड़ी उनके कीमती कपड़ों को समेट कर उड़ी जा रही है तो प्लेटें छोड़ कर दौड़ी। बहुत शोर मचाया, लेकिन अब क्या हो सकता था। नीले जादूगर ने वो सारे कीमती कपड़े लाल जादूगर को दिखाए और कहा, अब बताओ भला, तुम्हारी नाक लंबी है या मेरी। लाल जादूगर बहुत खिसियाना हुआ। उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर जोर से पांव पटके और घर से ये कहता हुआ निकला कि अब मैं अपना जादू दिखाऊंगा। लाल जादूगर पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ गया। उसने अपनी नाक खुजाई, उसे दूर तक फैला, लेकिन कोई मजेदार खुशबू नाक में ना समाई। रात हो गई तो लाल जादूगर अपनी नाक गुस्से से मरोड़ता हुआ पहाड़ की चोटी से नीचे उतर आया। उसने वो रात बड़ी बेचैनी में गुजारी। सुबह हुई तो वह पहाड़ की दूसरी चोटी पर चढ़ गया। देर तक अपनी नाक खुजाता रहा, दूर तक नाक को फैलाता रहा, लेकिन कोई मजेदार खुशबू नाक में ना समाई। यहाँ तक के रात हो गई और लाल जादूगर इस रोज भी अपनी नाक को गुस्से से मरोड़ता हुआ पहाड़ की चोटी से नीचे उतर आया। तीसरे दिन लाल जादूगर तीसरी चोटी पर पहुंचा। चौथे दिन चौथी चोटी पर, यहाँ तक के उसने 7 चोटियां छान मारी, लेकिन मज़ेदार खुशबू ना मिलना थी ना मिली।
दिल में कहा, मैं अपनी नाक को लंबा करूंगा, लंबा करता जाऊंगा, कहीं तो कोई मजेदार चीज सुनने को मिलेगी। तब लाल जादूगर ने अपनी लाल नाक को हुक्म दिया, ए मेरी लाल नाक, छू मंत्र के जोर से लंबी होती जा। और जादूगर की लाल नाक लंबी और लंबी होती गई, यहाँ तक के 7 चोटियों को फलांगती इसी जमींदार के घर में जा पहुंची। जमींदार का एक बेटा था, उसका नाम शादो था। इसी दिन शादो ने अपने दोस्तों को बगीचे में खेलने के लिए बुलाया था। शादो और उसके दोस्तों ने देखा कि लाल रंग की एक मजबूत टहनी बगीचे में दूर तक फैली हुई है। सब बहुत खुश हुए। शादो ने छलांग लगाई और टहनी को दोनों हाथों से पकड़कर झूला झूलने लगा। दूसरे लड़कों ने भी छलांगे लगाई और टहनी को दोनों हाथों से पकड़कर झूला झूलने लगे। जमींदार के नौकर ने जो ये खेल देखा तो कहा, ठहरो, मैं ये रस्सा लाता हूँ, टहनी पर रस्सा डालकर मजे से झूला झूलेंगे। फिर तो सब लड़कों ने लाल जादूगर की लाल नाक पर रस्से का झूला डालकर पींगे चढ़ाई शुरू कर दी। एक लड़के को शरारत सूझी, उसने लाल जादूगर की नाक पर चाकू की नोक से खोदना शुरू कर दिया। दूसरे लड़के ने कोट से पिन निकालकर नाक में चुभो दी। अब सुनो कि लाल जादूगर दर्द के मारे बिलबिला उठा। नाक में पिन की नोक लगते ही उसे सख्त खुजली हुई और जब नाक में चाकू की नोक लगी तो वो तकलीफ के मारे चीख पड़ा, हाय मेरी नाक, हाय मेरी नाक। लाल जादूगर की ये चीख सुनकर नीला जादूगर घर से बाहर निकल आया। इतनी देर लाल जादूगर ने जादू का जोर लगाकर एक झटके के साथ अपनी लाल नाक खींची। जमींदार का लड़का और दूसरे लड़के छलांग मारकर झूले से कूद पड़े और जब लाल जादूगर की लाल नाक समेटते समेटते करीब आई तो उसने देखा कि वो बुरी तरह सूज गई थी और लहूलुहान थी। नीला जादूगर लाल जादूगर की ये दुर्गत देखकर बहुत ठट्टे मारकर हंसा। बेचारा लाल जादूगर बहुत शर्मिंदा हुआ। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें।